हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरु जी। फ्रेंड्स, UPCHO के लिए ये लास्ट वीडियो हमारे द्वारा बनाई जा रही है। कल सभी का पेपर है, समथिंग 75% बच्चों का जो मेरे सब्सक्राइबर है उनका पेपर कल ये पोलिंग मैंने करवा ली है। तो फ्रेंड्स, सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू टू ऑल। अच्छे से पेपर करना और झंडा गाड़ के आना, और सिलेक्शन जब हो जाए मैसेज कर देना मुझे, आपका जबरदस्त एक स्टेटस लगाया जाएगा, आपने इतनी मेहनत की है। ठीक है, चलिए लास्ट वीडियो में कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। कोई कमेंट करने के लिए नहीं बोलूँगा, डायरेक्टली फोकस करो आंसर पे। कल पेपर है, कमेंट करने का टाइम नहीं है। चार्ल्स बेबेज जिन्होंने आविष्कार किया, किसका? कंप्यूटर का। सबसे पहला कंप्यूटर जिसका क्या नाम था, पहला कंप्यूटर जिसका नाम था वो था एनिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? जो आधुनिक कंप्यूटर था सबसे पहले जो खोज हुई वो कब हुई? 1946 के अंदर इसकी खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के 1960 के पहले जानते भी नहीं थे कंप्यूटर क्या होता है, बट 1960 के बाद में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा लेवल आ गया, और अब तो लैपटॉप आ गया तो और भी जनरेशन हाई हो चुकी है। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? जो कंप्यूटर का हिंदी में जो नाम है वो बहुत ही अटपटा है, संगणक। संगणक ये नाम है, फोकस कर लेना, आंसर के ऊपर पूछा जा सकता है, सही करके आना है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वीडियो का सबसे एंटिक, यूनिक और ज़बरदस्त क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। CPU की फुल फॉर्म इजी तो होगी बट ये पूछी जाती है और गलत कर देते हो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? किस चीज़ को सर्च नहीं किया जा सकता? गूगल, याहू, बाइडू। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में होने वाला है? वोल्फ्राम अल्फा। ऑप्शन में और भी आ सकता है, 3 तो याद ही रख सकते हो कि ये तो सर्च किए ही जाते हैं। आगे देख लेते हैं, इन निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट इकाई के बारे में हमेशा पूछा जा सकता है, आए या नहीं आए, बट आपको आगे के लिए रेडी रहना है। बाई चांस पूछ लिया जाता है तो वो टिक हमारा सही जाना चाहिए। माउस, कीबोर्ड, इसके अंदर ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। आगे बात करते हैं, 3 जबरदस्त क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ध्यान से गौर करना। 1 KB में, 1 KB जो आप यूज़ करते हो नेट की, 1 KB के अंदर कितने बाइट्स होते हैं? तो 1 KB के अंदर होती है 1024 बाइट्स। अब इससे थोड़ा ऊपर लेवल पे चलते हैं, 1 MB के अंदर कितने बाइट्स होते हैं? KB होती है। ठीक है, तो KB की अगर मैं बात करूँ तो 1024 KB होती है 1 MB के अंदर। आगे बात करते हैं, 1 GB के अंदर गीगाबाइट फुल फॉर्म भी आ सकती है, GB के फुल फॉर्म क्या आती है? गीगाबाइट। तो 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? तो वो कितना होता है? 1024 MB के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, तीनों नोटिस कर लेना, दोबारा देख लेना वीडियो को। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझना जरूरी है। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, जो IC चिप होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो फ्रेंड्स, वो बने होते हैं सिलिकॉन के। आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है तो क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ही थी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो लोगो भाषा, वेरी प्राय भाषा होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं,
16 क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन तो मैं रोंग ही कर देता हूँ, इसको तो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कोंडा तुरक एक प्रोग्राम है, ठीक है। वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, तो किससे करता है? कोंडा तरण से एक मशीन, कोंडा तरण से एक मशीन तक, ठीक है। चलिए, हिंदी एक तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, फिर भी हिंदी में समझाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश तो आपको ये समझ में आएगी नहीं, बहुत हार्ड होती है। मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि बोलते हैं ना मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा बनाई हुई क्या होती है? एक मल्टी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। आए हुए क्वेश्चन है, याद रख लेना। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल जो मेमोरी है वो कौन सी है? फ्लोपी डिस्क। फ्लोपी डिस्क क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक क्या होता है? एक तरह का यूनिट होता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस आज के लिए अब यूपीसीएचओ की इतना ही है। अब आगे बात करेंगे हम यूपीपीएससी के लिए, जहाँ से ज़बरदस्त हम जीके पढ़ाने वाले हैं, लग्जरी जीके पढ़ाने वाले हैं जो आज तक आई हुई है, और जब तक पढ़ाएंगे जब तक यूपीएससी का पेपर नहीं होता। और 30 क्वेश्चन जिस भी बंदे ने क्लियर कर लिए, 30 में से 20 भी अगर वो ले आया जीके में यूपीएससी में, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे उसके। तो नर्सिंग तो बच्चा बच्चा पढ़ रहा है, हमको क्या करना है? हमको हिंदी पे फोकस करना है एंड जीके पे फोकस करना है, तो लगे रहना। लास्ट क्वेश्चन, सीपीयू के ALU में होते हैं तो रजिस्टर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए विदा लेते हैं वीडियो में, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। लास्ट तक वीडियो देखिए, तो थैंक यू सो मच। कमेंट कर दीजिए, मुझे उससे सपोर्ट मिलता है। कल वाली वीडियो में आपने बहुत कमेंट किए, थैंक यू सो मच। लव यू टू ऑल फ्रेंड्स, हमेशा खुश रहो और खुश रखो। बाय फ्रेंड्स।